हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से मेरा पेज है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर फॉलो कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, छोड़िए ब्रेक छोड़ो, राइट। कौन सा डे आज आपको ज्वाइन करने का? हमारा जो है 13 डे। ओके, स्पीड बढ़ाइए। तो अभी आपको दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ से लेफ्ट जाना है, क्योंकि दोस्तों होता है क्या है ना कि न्यू बिगिनर के साथ एक हमेशा दिक्कत बनी रहती है, क्लच की और गियर की, क्लच और गियर को मैचिंग करना। कई बार क्या होता है, न्यू बिगिनर जो होते हैं उनसे कार सीख, पर्सनल गाड़ी से अगर हम सीखते हैं ना, तो हमारी गाड़ी का गियर बॉक्स और क्लच प्लेट दोनों फूकती हैं। न्यू बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं। होता है क्या है ना कि क्लच और गियर का मैचिंग नहीं हो पाता है। 90% नए लोग जो हैं वो गलती करते हैं। वो करते क्या है, पहले क्लच नहीं दबाते, आधा क्लच दबाते और क्लच पूरा दबने से पहले गियर को खींच देते, जिसकी वजह से गियर में धीरे धीरे प्ले आ जाता है और हमारा क्लच भी धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। क्योंकि जब हम बिना क्लच के गियर लगाएंगे तो गियर हमारा हार्ड लगता है और क्लच प्लेटें भी जल जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो जितने भी नए लोग ड्राइविंग सीख रहे लर्नर हैं, सबसे पहले तो उनको करना क्या है, पहले 100% अपना पूरा क्लच दबा लेना। जब 100% आपका क्लच दब जाए उसके बाद ही गियर को टच करना है, क्योंकि गियर लगाने का जो प्रोसीजर होता है 1 से 2 सेकंड में आराम से आप गियर लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूरा क्लच दबाना होगा। अगर आप पूरा क्लच नहीं दबाएंगे तो गियर लगेगा। कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि पूरा क्लच नहीं दबा, गियर नहीं लगा, वो क्या करते हैं कि गियर पहले खींच देते हैं और क्लच का मैचिंग, क्लच और गियर का दोनों का मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपका क्लच दबना चाहिए, फिर उसके बाद जो पूरा क्लच दब जाए फिर गियर को आपको टच करना चाहिए। अगर आपने क्लच दबाना स्टार्ट किया और गियर को पहले खींच दिया तो ना चाह के भी आपका गियर और हाफ क्लच पे भी गियर लग जाता है, लेकिन वो धीरे 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 आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो जाएंगी, गियर बक्सा डैमेज हो जाएगा, 2-3 चीज़ें हैं ना वो ख़राब हो जाएंगी, जिसकी वजह से बाद में काफ़ी मोटा खर्चा आ सकता है। हल्का लेफ्ट आओ। और आपका भी अशोक जी पैर क्लच पे सही नहीं रहता, जैसे जो पॉइंट होना चाहिए ना तो वो नहीं रहता है, पैर टेढ़ा रहता है, एकदम पैर सीधा रहना चाहिए क्लच के पैंडल पे, ताकि आसानी से आप क्लच को दबा सकें। टो से अभी आपका 4 इंच पैर ऊपर खिसका हुआ है, 4 इंच, और वो दबाना है आपको पंजे से, टो से। टो से दबाने के बाद ना प्रेशर बहुत अच्छा, क्लच पूरा अंदर तक दबता है। अगर आप तलवे से दबाते हो तो तलवे से पूरा अंदर तक नहीं जाता है, इस वजह से आपका हाफ ही क्लच जाएगा अंदर। तो फिर क्या होगा, जब आप गियर चेंज करोगे तो फिर गियर अटकेगा, गियर फंसेगा, आपको लगेगा कि गियर नहीं लग रहा है, लेकिन वो कारण होता है क्लच का। गियर ना लगने के 2 ही कारण, या तो आपका पूरा क्लच नहीं दबा है, दूसरा कारण है कि आपका जो गियर पैटर्न है, गियर का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। अगर गियर का डायरेक्शन सही है तो गियर एकदम मक्खन की तरीके से लगता है, स्मूथ लगता है। अगर आप उस लाइन में गियर को करते हैं डाल के, क्लच फ्री रखिए, हाँ ये पॉइंट होना चाहिए पैर पे। जो अभी ब्रेक लो हल्का सा, स्पीड ब्रेकर है, हाँ, और गियर बहुत ईजी लगेगा अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे ना, बहुत आसान होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं रैंडम में आपने गियर पकड़ के खींच दिया। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, गियर और क्लच का मैच नहीं कर पाते। थोड़े टाइम बात कर लेते हैं, लेकिन सीखने के टाइम वो गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से गियर बॉक्स भी ख़राब होता है, गियर की रबड़ भी कट जाती है, सिलेक्टर रॉड भी निकल जाती है। अभी आपकी गाड़ी की क्या स्पीड है? 20+। ठीक है, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, हाँ, स्पीड कम। स्लो, अब लेफ्ट में थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को लेफ्ट से ओवरटेक करते हो ना तो ये जरूर ध्यान रखा करो कि आपके लेफ्ट में चल क्या रहा है। लेफ्ट में देखो जो गाड़ियां खड़ी हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमेशा 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, चाहे कोई पैदल बंदा हो, चाहे कोई साइकिल से जा रहा हो, चाहे कोई बाइक वाला हो या कार वाला हो। अगर आप लेफ्ट से उसको ओवरटेक करते हो तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। अभी साइकिल वाला, इसको आपने लॉन्ग हॉर्न दिया, ये अलर्ट हो गया, हो गया लॉन्ग हॉर्न, कुछ तो स्लो 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 और स्लो,
हल्का राइट रखो, जाने दो। हाँ स्पीड कम, लॉन्ग हॉर्न पुश करिए क्योंकि यहाँ टर्निंग पॉइंट है। ऐसे जब आप किसी को ओवरटेक किया करिए तो लेफ्ट वाला शीशा जरूर देखा करिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, 90% नए लोग यही गलती करते हैं। यहाँ से लेफ्ट जाना है हमें, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। हाँ स्पीड कम करो, हाफ क्लच पे ये टर्न हो जाएगी। अपने लेफ्ट पे ध्यान रखिए ताकि आपको लेफ्ट का अंदाज़ा, राइट में तो देखो आप बैठे हो, राइट में नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। खतरा कहाँ से रहता है, हमेशा लेफ्ट से रहता है, लोग लेफ्ट में ही ध्यान नहीं देते, जो कि आपको 100% लेफ्ट की तरफ नज़र डालनी। राइट में तो आप बैठे हो, ऑटोमेटिक आपकी नज़र जाएगी, यहाँ से कभी भी गाड़ी कोई भी निकल सकती, ध्यान रखना। हल्का लेफ्ट आओ, हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करो बस। व्हाइट लाइन के अंदर ही रखना, बाहर मत निकलना। सब जो गेट है यहाँ पे हॉर्न देना जरूरी है, कभी भी कोई भी निकल सकता है, तो इसलिए अल रहना है। ब्रेक लो हल्का सा ताकि डिजायर निकल जाए। हाँ कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए 50 मीटर 100 मीटर पहले प्लान करना स्टार्ट कर दो, 100 मीटर 50 मीटर पहले प्लान करना स्टार्ट कर दो, ताकि वहाँ लास्ट मोमेंट पे जाके आपको गाड़ी रोकनी ना पड़े। ब्लाइंड टर्न है हाँ, जहाँ पे आपको राइट वाले पैर को ब्रेक पे रखना चाहिए था, क्योंकि अंधा मोड़ है, कभी भी निकल सकता कोई भी। आपकी जो साइड है वो तो लेफ्ट ही है ना, वाइट लाइन की पट्टी से लेफ्ट, लेफ्ट में इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। जाने दो, उसने टेम्पो वाले ने आपको जब ओवरटेक किया तो क्या कर रहा था, वो हॉर्न दे रहा था, क्यों, ताकि मतलब सामने वाला अलर्ट हो जाए। हाँ अभी आपको देना है लेफ्ट का सिग्नल, ऊपर को सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। हाँ सही से तरीके से नहीं हुआ है, हाँ अब गाड़ी को स्लो करो, यहीं से भी यू टर्न मारना है आपको, इसको पहले गियर में करो क्लच दबा के, पूरा क्लच फुल। हाँ और लेफ्ट आओ, हाँ बस यहीं पे स्टॉप करो, स्टॉप बस। अब राइट घुमा लो पूरी स्टीयरिंग, पहले स्टीयरिंग रुकी गाड़ी में, पूरा स्टीयरिंग घुमा लो, अगर कम जगह में गाड़ी को मोड़ना है पूरी घुमाइए, और ये होती पूरी। अभी उतने पे आप घुमाते कट ही नहीं पाती, अब राइट का सिग्नल दो, अब पहले ब्रेक को रिलीज करो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना धीरे धीरे, हाँ क्योंकि गाड़ी का टायर पूरा मुड़ा हुआ है। हाँ जाओ धीरे 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 धीरे, आप हल्का एक्सेलेटर भी यहाँ ले सकते हो, ऐसा नहीं है, हल्का सा। अब देखो गाड़ी मुड़ गई पूरी तरीके से, सीधी करो, लहरा गई है, ये लहरानी नहीं चाहिए थी। बढ़ाइए स्पीड, हाँ पहले स्पीड मेंटेन करिए 20 के अराउंड जाइए, और अब एक्सीलेटर से पैर हटाइए और क्लच दबा के सेकंड गियर करिए, गुड। जाने दो, कभी भी यू टर्न करते वक्त ना गाड़ी पहले रोक के पूरी स्टीयरिंग घुमा लो, अगर कम जगह में आपको टर्न करना है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे भी निकल सकते हैं, कॉलोनी है कभी भी, ठीक है, तो एकदम ओवर स्पीड मत करना। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।